जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कल और उससे रिलेटेड छोटी मोटी टर्म्स जो कि तुम 9th, 10th, 11th, 12th में जाके आगे यूज करोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल क्या है? कोई भी एक गोल चीज ले लो, उसको मैं सर्कल बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास बॉल होगी खेलने के लिए, तो उस बॉल की जो शेप होती है उसको मैं बोलता हूँ स्फीयर। अगर मैं उसी को 2D में, मतलब मैं अपनी नोटबुक में बना लूँ, तो वो क्या होगा? सर्कल बनेगा, ठीक है। अब सर्कल में बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है। इसके बाद फिर मैं थ्योरम्स वगैरह बताऊँगा, कुछ थोड़ी सी रिसर्चेस बताऊँगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर मतलब जहाँ से हमारा सर्कल का ड्रॉ होना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद ये हम मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कोर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलता हूँ? कोर्ड ऑफ द सर्कल। तो कोर्ड ऑफ द सर्कल समझ गए। अब कोर्ड ऑफ द सर्कल बना दी, तो मैंने क्या कर दिया, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो सबसे ज्यादा वाला पार्ट है, जो ज्यादा वाला पार्ट है ये, इसको मैं बोलता हूँ मेजर सेगमेंट। क्या बोलता हूँ? मेजर सेगमेंट, MAJOR SEGMENT। स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले जी लिख गया था गलती से, तो वो MAJOR है, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट, और जो कम वाला पार्ट है उसको मैं बोलूंगा माइनर सेगमेंट। क्या बोलूंगा? माइनर सेगमेंट। अब सपोज मैं क्या करूं, मैंने यहां से एक लाइन खींची जो कि सर्कल को टच कर रही है उसकी बाउंड्री पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जहां पे टच कर रही है ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल हो गया। अब मैं थोड़ा सा पिटा लेता हूं, इसके बाद मैं अब सीकेंट के बारे में बताऊंगा, सीकेंट क्या होता है इसमें। तो सीकेंट क्या है, मैंने पहले तो सर्कल बना लूं, थोड़ा बेकार सा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये बना लिया। अब ये दो जगह पे क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और आर पार निकल रहा है। तो ये क्या है, सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट ऑफ द सर्कल, देखो टेंजेंट और सीकेंट में डिफरेंस क्या है। टेंजेंट भी दो पॉइंट पे टच कर सकता है। मैंने सपोज किया ये है एक टेंजेंट, ये है दूसरा टेंजेंट, तो ये दोनों अलग अलग टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट दो जगह टच नहीं करेगा, इस चीज को याद रखना। बट सीकेंट की मैंडेटरी चीज ये है कि वो एक ही सर्कल में दो जगह टच करेगा और वो एक ही लाइन होगी, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो सीकेंट हो गया। अब इसके बाद मैं बताता हूं सेक्टर और मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है। तो सर्कल बना लिया मैंने, ये है सेंटर, सेंटर से मैंने एक लाइन यहां ली, एक लाइन यहां ली, ठीक है। तो ज्यादा वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर, और ये हो गया जो कम वाला पार्ट है ये हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है। अब तुम सबने पढ़ा होगा पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस की बेसिकली हम बात करते हैं सर्कल्स में ही और स्फेयर वगैरह में। अब सर्कमफेरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर सेम चीज है, ठीक है। पेरीमीटर के लिए हम पेरीमीटर हम यूज करते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह के लिए, सर्कमफेरेंस हम यूज करते हैं सर्कल्स और स्फीयर्स के लिए, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस क्या हो गया, मैंने यहां से स्टार्ट किया बनाना और मैं यहां तक आ गया, ठीक है। तो मैं कितना घूमा, 360 डिग्री घूमा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां से लेके यहां तक दोबारा आ गया, तो ये हो गया 360 डिग्री, जिसको मैं रेडियन में क्या बोल सकता हूं, 360 इज इक्वल टू 2π रेडियन। कितना हो गया, 2π रेडियन। अब 2π रेडियन हो गया, इसमें रेडियस भी आएगा, क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं से स्टार्ट करूंगा तो सेंटर से मैंने ये ले लिया, अब मैं यूं घूम के फिर दोबारा यहां आ गया, तो r भी आ जाएगा इसमें। तो 2πr इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का πr² मतलब पाई आर इंटू आर। एरिया की यूनिट पता ही होगा, स्क्वायर यूनिट्स, मतलब जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर और मीटर। तो इसी के साथ मैं
मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।